दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका चांस कितना है इस साल एडमिशन का, प्रवेश का, दाखिला का बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपका कितना चांस है इस साल एडमिशन होने का। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अमर उजाला में एक रिपोर्ट छपी थी, खुशी की खबर थी कि नवरात्रा से पहले या दशहरा से पहले आपका पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि सीयूटी यूजी का रिजल्ट आ गया है, पीजी का आंसर की भी आ गया है। तो पीजी का आंसर की आ गया है तो रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, और यूजी का रिजल्ट तो ऑलरेडी आ चुका है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोर्टल भी ओपन हुआ है। बीएचयू में इस वीक में ही, इसी सप्ताह में मीटिंग पे मीटिंग होने वाली है, बैठक पे बैठक होने वाली है, और इसी वीक में आपको पता चलने वाला है कि आपका पोर्टल कब से ओपन होगा। तो ये तो खुशी की खबर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताऊंगा आपका चांस कितना है इस साल एडमिशन होने का, कितना प्रोबेबिलिटी है कि इस साल आपका एडमिशन हो जाएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। और खुशी की खबर थी कि दशहरा के पहले ही पोर्टल ओपन होने वाला है, शुभ दिन आने वाले हैं, खुशी के दिन आने वाली है, दिवाली आने वाली, छठ आने वाली है, बस एकदम बिल्कुल नवरात्रा वगैरह के फेस्टिवल सीजन तो चालू ही हो गया, अभी विश्वकर्मा पूजा था, गणेश चतुर्थी थी, तो ये खुशी का ही माहौल अभी चल रहा है। इसी खुशी के माहौल में बीएचयू का पोर्टल भी ओपन होने वाला है। तो चलिए आपको बताता हूं मैथमेटिकल कैलकुलेट करके कितना प्रोबेबिलिटी है आपका इस साल दाखिला होने का, यानी एडमिशन होने का। तो चलिए पहले देखते हैं टोटल सीटें कितना है यूजी में भी और पीजी में भी। सीटें 18,000 के आसपास है, कितना 18,000 के आसपास है कुल सीटें अप्रोक्सीमेटली। फॉर्म इस साल आया है 7.5 लाख, अप्रोक्सीमेटली 7,50,000 के आसपास में फॉर्म आया है यूजी का भी पीजी का भी। तो सीटें आपको पता है कि हजारों में है और फॉर्म लाखों में है। बीएचयू देश की दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें सबसे ज्यादा सीयूटी में फॉर्म आए हैं, एक नंबर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया क्योंकि देश की राजधानी है। बीएचयू देश की राजधानी न होकर भी, इवन बीएचयू जो है वो लखनऊ में भी नहीं है क्योंकि यूपी का राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में भी नहीं है, स्टेट का ना राजधानी है ना ही देश की राजधानी, फिर भी फॉर्म का सिलसिला देखिए कितना है, 7.5 लाख है, बहुत ज्यादा है। अदर अगर इलाहाबाद से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें फॉर्म्स आए हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल, तो देखिए कैसे निकल के आता है। एक सीटें के लिए 41 फॉर्म आए हैं, यानी इसका मतलब ये होता है 1:41 रेशियो है प्रोबेबिलिटी का, यानी 41 लोगों में से 40 को छांट दिया जाएगा और एक को ले लिया जाएगा। तो 1/41 का मतलब चांस ये होता है कि एक सीटों के लिए 41 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, सीटें एक हैं, एक अनार 100 बीमार वाला बात है, यहाँ 100 बीमार नहीं है, एक अनार है, एक सीटें हैं और फॉर्म 41 है, तो 40 लोगों का तो नहीं होगा, एक ही का होगा। तो 41:1 कर लीजिए या 1:41 का रेशियो है, प्रोबेबिलिटी है। आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि टोटल सीटें कितनी हैं बट्टा कितने फॉर्म आए हैं, ये आपका प्रोबेबिलिटी निकाल देता है कि आपका कितना सिलेक्शन का चांस है। और खुशी खबर ये है कि 41 में से एक है, 100 अनार एक बीमार वाली बात नहीं है, और अमर उजाला की रिपोर्ट के हिसाब से इसी वीक में फैसला आने वाला है कि आपका पोर्टल कब होगा, पोर्टल कब ओपन होगा, पोर्टल तो होगा ही, पोर्टल कब से ओपन होगा, और दशहरा से पहले ही ओपन होने की बात है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और किस टॉपिक पे बीएचयू का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका उस टॉपिक का रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए वीडियो बनाता हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय बीएचयू।